नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। स्लग आमरण अनशन पर बेटे श्रमिक का स्वास्थ्य बिगड़ने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई। सेंचुरी पेपर मिल से श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों ने लगातार 61 दिन तक अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया, जिसके बाद उन्होंने न्याय न मिलने पर 26 सितंबर से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। आमरण अनशन कर रहे राजीव दुमका श्रमिक को आज दोपहर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल द्वारा जबरदस्ती धरना स्थल से उठाकर हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अनुसार अनशन व भूख हड़ताल पर बैठे राजीव दुमका का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें अनशन से उठाकर चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उनका मेडिकल जाँच और चिकित्सकों के द्वारा उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाएगी। वहीं धरना स्थल पर अनशन में बैठे प्रधान शंकर जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती भूख हड़ताल पर बैठे एक श्रमिक को यहां से ले जाया गया, पर पुलिस की इस कार्रवाई से बहुत दुखी है। वहीं प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि मिल प्रशासन चाहता है कि हमारा यह अनशन किसी भी तरह बंद करवाया जाए, जिसके लिए वह पुलिस प्रशासन पर दबाव डाल रहा है। इसी कारण यह कार्रवाई की गई है। प्रभाव रुकेंगे नहीं, अगर मिल का प्रबंधन नहीं मानते हैं तो जल्द ही महिलाओं के द्वारा भी यह अनशन व भूख हड़ताल की जाएगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन व मिल प्रबंधन होगा। वहीं उनके समर्थन में पहुंचे समाज सेवी गोकुल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में 70% उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार युवाओं पर हो रहे शोषण को क्यों नज़रअंदाज कर रही है। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड में उत्तराखंड के युवाओं के लिए 70% रोजगार की बात कही थी। आज भाजपा की सरकार 70% उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिल प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के साथ किए जा रहे इस अन्याय पर क्यों सरकार मिल प्रबंधन के खिलाफ कदम नहीं उठाती, जिससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अनशन पर बैठे श्रमिक मुकेश कपडवाल ने कहा कि आज से वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे तथा जब तक मिल प्रबंधन द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वह लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, और मिल प्रबंधन अगर यह सोचता है कि वह उनके अनशन को समाप्त कर देगा तो वह डरने वाले नहीं है। और उनके बाद क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा भूख हड़ताल अनशन किया जाएगा, यह अनशन लगातार चलता रहेगा, यह रुकेगा नहीं। हमारे जो पूर्वजों ने यहाँ नौकरी की, उन्होंने इसलिए इस क्षेत्र में नहीं बसाया था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को यहाँ रोजगार नहीं मिले चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, इससे पहले भी सरकारें आई हैं और ये भी रही, किसी ने भी बेरोजगारों के बारे में न सोचा। मुझे लगता है आगामी भविष्य में भी ये बेरोजगारों को ठगते रहेंगे। इन्हीं की जो एकता है, हम इस चरम अवस्था में पहुँच चुके हैं कि मैनेजमेंट के दबाव में प्रशासन इनके साथ जो कर रहा है ये उन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे घर का चूल्हा नहीं जलेगा ना तो मैं क्या करूँगा। सोचिए आप, ये स्थिति पैदा करने वाला कौन? हमारा भ्रष्ट सरकार। अगर ये सरकार ही नियम कानून बनाती, इनकी क्या हिम्मत थी? लॉ तो दे दिए हैं लेकिन उनके अधिकार अभी तक छीन। यहाँ पर बैठे थे तो पुलिस उनको जबरन उठा लेगी। उसके बाद अब बैठा हूँ मुकेश कपडवाल। हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे थे, आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो चुकी है, तो मजबूरन हमको पेट के लिए बैठना, पेट के लड़ाई के लिए उनका नाम आमरण अनशन में करने को मजबूर होना पड़ा। तो प्रशासन नहीं मानता तो हम इसके बाद अगर आमरण अनशन से भी अगर नहीं मानते मैनेजमेंट और, तो हमें इसके बाद आत्मदाह जैसे कदम भी उठाने पड़ेंगे। तो लगता है कि इसमें सबकी मिली भगत है। तो अपील करूँगा कि हमें समर्थन देने के लिए शहीद पार्क पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हमने राज्य इसलिए मांगा था कि हर हाथ में काम होगा और हर लड़का यहाँ का रोजगार में होगा, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी रूप से भी वो रोजगार करेगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है, आज 20 साल से ऊपर इस राज्य का गठन हुआ हो गया है लेकिन अभी तक युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष पक्ष के हों, उनका कोई भी यहाँ पर ऐसा आदमी जिम्मेदाराना तरीके से इनको अपना सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया है। जबकि मैंने आपके माध्यम से निवेदन करके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की है, उनसे अपील की है कि ये जो धरना है ये शंकर जोशी का नहीं है, ये धरना युवाओं का है, ये धरना भूख का है, पेट का है, बेरोजगारी का है और हमारे उत्तराखंड का है और हमारे लालकुआ विधानसभा के युवाओं का है। इसलिए सबसे मैंने आपके माध्यम से अपील की लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, इस मामले में तो वो खुद ही जाने और भगवान जाने। लेकिन मैं आपको
ये आश्वस्त करता हूँ, अभी तो हम केवल युवा यहाँ पर बैठे हैं, और अभी हमारे आज ये राजीव दुमका जी के बाद मुकेश कपडाल जी जो श्रमिक हैं, ये यहाँ पर अभी आमरण अनशन में बैठ गए हैं। अब ये कितने दिन तक यहाँ पर इनको बैठने देते हैं ये प्रशासन के लोग, उसके बाद फिर हमारी दूसरे लोग यहाँ पर बैठेंगे और लगातार हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे, और उसके बाद अगर जब हमारे युवाओं की बारी पूरी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर मातृशक्तियां बैठेंगी, उसमें मेरी धर्मपत्नी भी होंगी और इनकी पत्नियां भी होंगी और इनकी माताएं और इनकी बहनें भी होंगी, वो भी यहाँ पर आमरण अनशन में बैठेंगी, और उसके बाद भी अगर ये प्रशासन और ये प्रबंधन नहीं चेता तो हम सब लोग सामूहिक आत्मदाह भी करने का काम करेंगे, और जिससे हम अपने आप को ही स्वाहा कर देंगे। उसके बाद ये नेता अपनी रोटियों को सेकते रहे और ये प्रबंधन अपनी जो अड़ियल रवैया है उसको हमेशा के लिए अपनाते रहे।